हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूँ और ये टॉपिक आजकल के जो भी संत महात्मा और काफ़ी मतों के लोग जो दुष्प्रचार आजकल फैला रहे हैं और नए शिष्यों में या पुराने शिष्यों में कह लीजिए, जो अपने दुष्प्रचार से सिर्फ ये इनका एक ही मकसद है, पैसा इकट्ठा करना, अपने लिए चीज़ें जमा करना, और इनका कोई मकसद नहीं है। तो इसी सीरीज़ में मैं खासकर शिष्यों को, जो शिष्य बन रहे हैं इन महात्माओं के और जो एक तरीके से भ्रमित झूठा ज्ञान फैला रहे हैं, और झूठा ज्ञान फैलाने के साथ साथ इन शिष्यों को फंसा रहे हैं उस ज्ञान में, ये कह के कि मेरा ज्ञान ही सच्चा है या मैं आपको परमात्मा के दर्शन कराऊंगा। कई संत तो ऐसे हैं कि वो ये यहाँ तक दावा करते हैं कि मैं 5 सेकंड में परमात्मा के दर्शन करवाऊंगा। एक जगह और मैं देख रहा था कि 3 सेकंड में परमात्मा के दर्शन, तो 5 सेकंड में, 3 सेकंड में परमात्मा के दर्शन, इस तरीके से वीडियो का टाइटल लिख के शिष्यों को फंसाना, दर्शकों के व्यूज़ इकट्ठे करना और यूट्यूब के माध्यम से भी कमाई करना, और जो दर्शक व्यूअर्स इसमें फंस जाते हैं और उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं और फिर उनसे वो दान स्वरूप पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना बैंक अकाउंट नंबर देते हैं, उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं और कहते हैं कि दावा यही करते हैं कि 5 सेकंड में। इसी सीरीज़ में एक आजकल मैं पिछले 4-5 महीनों से कभी कभी देखता हूँ, एक जगत प्रेमी चंद्रदेव करके, अपने आप को महात्मा कहते हैं, कबीरपंथी कहते हैं, और कबीरपंथी ही नहीं, अपने आप को कबीर जी द्वारा शिष्य बनाए जाने का दावा करते हैं कि मैं कबीर जी द्वारा बनाया गया शिष्य हूँ। और इसमें और भी हैं, यानी कि जगत प्रेमी चंद्रदेव या देवराज, चंद्रदेव और देवराज, संत देवराज एक ही हैं। अब इसमें और भी हैं, जैसे रामपाल जी महाराज जी भी हैं, तो उनकी भी मैं थोड़ी चर्चा करूँगा। तो ये एपिसोड बनाने का सिर्फ एक ही कारण है कि दर्शकों को, जो आध्यात्मिक लाइन के जो दर्शक हैं, जो आध्यात्मिकता में जिनकी रुचि है, उनको मैं सावधान करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। अब चंद्रदेव जी पे बात आते हैं, जगत प्रेमी चंद्रदेव, और कहते हैं कि मेरे गुरु संत देवराज जी हैं। हालांकि हमने कुछ खोज की और उसमें ये पाया कि देवराज और चंद्रदेव ये एक ही हैं। देवराज जब एक बालों वाले हैं, ठीक है, उनके जटाएं थी पहले, तो उन्होंने जटाओं वगैरह में जब थे वो, नहीं, व्यू लगा लेता, व्यू लगाते हैं, और वो ये दावा करते हैं कि गुजरात में मुझे एक साधु मिले थे, वो असल में कबीरदास जी थे, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम देव बन जाओ, तो देवराज हो गए, ठीक है। और जो नॉर्मल लुक में आते हैं, है ना, नॉर्मल बालों में आते हैं, वो चंद्रदेव करके आते हैं, जगत प्रेमी चंद्रदेव, ठीक है। और वो उस वाले रूप को वो अपना गुरु वाला रूप बताते हैं कि वो गुरु हैं मेरे। तो दर्शकों को लगता है, सुनने वालों को लगता है कि शायद देवराज जी इनके गुरु हैं और ये चंद्रदेव ये अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। तो सबसे बड़ा धोखा तो यही है कि एक ही व्यक्ति हैं दो नाम से, और बताया जा रहा है कि देवराज गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। किन्हीं किन्हीं शिष्यों को ये बताया जा रहा है कि मैं ही कबीर हूँ। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, धोखाधड़ी वाली चीज़ें, तो इसके अंदर बहुत सारे, जितने आप अंदर घुसेंगे उतनी ही आपको मतलब कि गंदगी दिखाई देगी कि धोखाधड़ी क्या क्या चीज़ चल रही है। पैसे मांगे जा रहे हैं परमात्मा के दर्शन के नाम से, कि
पाँच सेकंड में परमात्मा का दर्शन कराएंगे। मरु पाँच सेकंड कब आएगा? वो पाँच साल के बाद आएगा। पाँच साल के बाद वो पाँच सेकंड आएगा। पहले पाँच साल आप दान दक्षिणा दीजिए उनको, हर महीने 12,000-24,000 इस तरीके से अमाउंट मांगे जाते हैं, हर महीने 10,000 रुपये। और जब कोई व्यक्ति उसमें फंस जाता है, उनको ज्वाइन कर लेता है, उनके चलने के अनुसार करता है और वो चीज़ उनको नहीं मिलती है, अब जो व्यक्ति गया है और हर महीने दान दे रहा है 10,000 का, 20,000 का, जितने जो भी उनका है हिसाब किताब, वो शायद बदलते रहते हैं, कभी क्या कभी क्या, 2023 में नियम बदल गया जी, तो अलग अलग नियम बनाते रहते हैं सिर्फ पैसे कलेक्ट करने के लिए। तो जो व्यक्ति जाता है तो व्यक्ति तो यही उम्मीद करता है कि भाई गुरुजी परमात्मा के दर्शन कराएंगे, पाँच सेकंड में दर्शन कराएंगे। तो गुरुजी बोलते हैं कि नहीं, पाँच सेकंड में तो दर्शन तो होते हैं, मगर वो पाँच सेकंड पाँच साल के बाद आएगा। पाँच साल तक आपको ये सेवा करनी है, आपको दान देना है, तो मैं आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ, आप ये करो, सारी चीज़ें करवाएंगे वो पाँच साल तक। जब पाँच साल हो जाएंगे तो कहेंगे नहीं 10 साल के बाद, अभी 12 साल हो गए, अब 12 साल हो गए। और अभी तो उन लोगों के 5 साल हो गए थे, तो उन्होंने जो पैसे मांगे ना, मांगना शुरू किए जी, तो 5 साल वालों ने पैसे मांगने शुरू किए, अब उनको दर्शन नहीं हुए। ठीक है, परमात्मा के दर्शन के पैसों से होते हैं या आश्रम में जाने से होते हैं या किसी के कहने पे चलने से होते हैं? ये फोन किया। और इस श्रृंखला में हमने भी एक बार उनको ट्राई किया फ़ोन करने का, और उन्होंने फ़ोन उठाया भी, बातचीत चली, और हमने कुछ एक दो बेसिक फंडामेंटल प्रश्न को बोलते हैं आध्यात्मिक प्रश्न, वो किए। तो पहले तो उन्होंने खूब टाला उन चीज़ों को कि नहीं, ये आमने सामने बात होती है, या फिर आपको पता है तो आप डायरेक्ट बताइए लोगों को, आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं, इस टाइप से वो चीज़ों को टालने लगे। और लास्ट में हमने एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा आध्यात्मिक, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो इस तरीके के लोग पूरे मार्केट में चले हुए हैं। तो चंद्रदेव जी, देवराज दोनों एक ही हैं, गालियां देखी तो। और हमने और भी पता लगा कि फ़ोन पे जब भी वो बात करते हैं किसी से और नाराज हो जाते हैं तो गाली गलौज पे उतर आते हैं, साला वगैरह सारी गालियां वो यूज़ करते हैं जी। तो मैं सिर्फ जो श्रोता हैं उनके, जो शिष्यगण हैं वो बने हुए, उनको मैं सिर्फ सावधान करना चाहता हूँ कि आध्यात्मिकता इन फ्रॉड से, धोखाधड़ी से और इन लोगों को फॉलो करने से नहीं मिलती। आध्यात्मिकता के लिए आपको निराश्रित होना पड़ेगा, आश्रित नहीं निराश्रित, और मेहनत करनी पड़ेगी, निराश्रित होकर मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिलता। आप और आप लोग क्यों आते हो? लालच वश आते हो। किसी ने कहा 5 सेकंड में परमात्मा दर्शन कर दिए करवाएंगे, 5 सेकंड आपके लिए लालच हो गया, 3 सेकंड में लालच हो गया, क्योंकि आप तो आपके माइंड में ये चलता होगा कि लोगों को पता नहीं जन्मों जन्मों साधना करते हैं, भक्ति करते हैं तो परमात्मा के दर्शन होते हैं, मुझको तो 5 सेकंड में करवा रहे हैं। तो इस लालच में ना आए, एक बात। दूसरी बात, इनके ज्ञान का स्तर देखें। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ये चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यानी कि चंद्रदेव जी के यहाँ चलती है, रामपाल जी महाराज जी के यहाँ भी ये चलता है, और भी कबीर मंत्र में और भी कुछ संप्रदाय हैं, एक दो को मैं जानता हूँ, मैंने बात भी की हुई है उनसे, तो वहाँ सब में यही चलता है। वो क्या बात है कि जी, कबीरदास जी ने कहा कि मेरे 12 झूठे पंथ चलेंगे, तो उन 12 झूठे पंथों को तुम्हें हटाना है, तुम्हें ख़त्म करना है, लोगों का भ्रम मिटाना है, क्योंकि तुम्हारा 13वां पंथ है। ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूँ ज्ञान का, ये शक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो तुम 13वें पंथ हुए। ये सभी बोलते हैं, रामपाल जी महाराज जी कह जाएंगे वो यही बोलेंगे कि 13वां पंथ मैं हूँ, मुझे कबीरदास जी ने अधिकारी बनाया है, तो मैं दीक्षा दे सकता हूँ, उनकी जो पावर है वो मेरे पास है। चंद्रदेव जी के आप जाएंगे वो यही भाषा बोलेंगे, किसी और कबीर पंथ के आ जाएंगे वो यही बोलेंगे कि हमारा तो 13वां पंथ है, बाकी जो 12 पंथ हैं वो झूठे हैं। तो सभी एक एक पंथ, यानी कि 12 या 13 पंथ हैं, हजारों पंथ मैं कह रहा हूँ,
आप एक बार देखेंगे, सर्च करेंगे तो हजारों पंथ मिलेंगे आपको कबीर के, अलग अलग, सबके अलग अलग मत हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, अलग अलग मत उन्होंने बना रखा है, क्योंकि मठाधीश अलग अलग चाहिए, अधिकारी अलग अलग चाहिए, सबको अपनी एक मालकियत चाहिए, तो अलग अलग बना रखे हैं, और सब यही बोलेंगे, एक ही भाषा, इनकी एक ही लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज कहाँ से आई है? कबीर वाणी से ही आई है। कबीर वाणी में कबीर जी के कहने का मतलब क्या था, कबीरदास जी जाने कि बारह पंथ आएंगे, झूठे पंथ होंगे, ठीक है। अब ये उसी वाणी को पकड़ के यही बोलते हैं, यही प्रचार करते हैं, दुष्प्रचार अपने शिष्यों के बीच में, कि हमारा तो तेरहवा पंथ है, हम अधिकारी हैं, कबीरदास जी ने हमको दर्शन दिए हैं और कबीरदास जी ने ही मुझको अधिकारी बनाया है। इस टाइप की बातें सभी कबीर पंथ करते हैं, तो ये बहुत बड़ा जाल है बारहवें पंथ का और तेरहवें पंथ का, तो इससे सावधान हो जाएं। कबीर वाणी के अलावा, कबीर वाणी भी अच्छी तरीके से नहीं, क्योंकि कबीर वाणी देखिए, कबीर वाणी हो या नानक वाणी हो या बुद्ध वाणी हो, किसी की भी वाणी हो, जिन्होंने उस मूल को पाया है, मूल स्रोत को खोजा है और उनको मिला है, पाया क्या, मिला है उनको, ठीक है, तो उनकी वाणी में आपको एक रास्ता दिखाई देगी, और यदि आप एक की वाणी को पकड़ के चलेंगे और दूसरे के वाणियों को आप नीचा करेंगे, तो ये घटना कह लीजिए या दुर्घटना कह लीजिए, ये होके ही रहेगी। कबीरपंथी हैं, अपने आप को सबसे ऊंचा रखेंगे, कबीर परमात्मा नंबर वन, नंबर दो काल निरंजन, उसके बीच में एक दो और हैं, मुझको याद नहीं है क्या क्या है वो, पता नहीं, अकह और अगम लोक और अलख लोक, बहुत सारे लोग बताते हैं, फिर ये बताएंगे आपके काल निरंजन। अब ये गीता में बताएंगे कि रामपाल जी महाराज, कि कृष्ण जी काल निरंजन हैं, काल देवता हैं, ठीक है। हालांकि गीता के ही आठवें अध्याय में बहुत सारे श्लोक मिल जाएंगे, भगवान कह रहे कि मैं कालातीत हूँ, बताओ इसका क्या करोगे, इस श्लोक का कभी बोलेंगे, कबीर वाणी में लिखा है कि काल निरंजन है, ओम मंत्र, ओम बताते हैं कि जो ओम मंत्र है वो काल निरंजन है, वो काल निरंजन का मंत्र है ओम। नानक जी की वाणी ही स्टार्ट होती है जपू जी, एक ओंकार सतनाम, वो ओंकार को सतनाम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ओंकार काल निरंजन है, या तो नानक जी काल निरंजन है, काल निरंजन का मतलब काल रूप है, वो सतलोक में सतपुरुष नहीं है, काल पुरुष है, उनकी वाणी से तो ये सिद्ध होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप वाणियों में ढूंढेंगे, चाहे किन्हीं की वाणी हो, वाणी पूरी जंगल होती है, आपके लिए जंगल हो जाएगी यदि आपको स्व अनुभव नहीं है, और स्व अनुभव कभी भी वाणियाँ पढ़ने से नहीं आती, स्व अनुभव आता है निराश्रित होके मेहनत करने से, आध्यात्मिकता के पथ पर चलने से। बस मुझे आज यही कहना था, कुछ हमारा आदरणीय शर्मा जी भी कहना चाहेंगे इसी सीरीज में। शर्मा जी, मैं आप सभी भक्तजनों से ये कहना चाहता हूँ कि जगत प्रेमी चंद्रदेव और क्या नाम जो देवराज, संत देवराज हैं, ये दोनों एक ही आदमी हैं, और इन लोगों ने जो अभी एक मठ बनाना शुरू किया है, इसमें जो एक वहाँ संत महात्मा का मठ है, वो महात्मा के साथ ये मिलकर के बना रहे हैं, तो वो महात्मा के साथ में वो जो गांव वालों का वो महात्मा है, तो उसके विरुद्ध अभी कुछ तकरार हो गई पैसे के लेन देन के लिए, तो ये चीज़ें जो है ये ठीक नहीं है। सभी जितने भी भक्तगण हैं इस वीडियो को देखें और इसकी सच्चाई को पहचाने अच्छी से तरीके से, कि ये सिर्फ पैसे लेने की इसमें बात है, और पैसे ना दें, और जो बात निराश्रित बताई है कि आश्रित, जब तक जगत में आप किसी से आश्रित हैं तब तक कोई परमात्मा और कोई आत्मा, कोई जीव आत्मा, कोई भगवान और ये सब पार ब्रह्म वगैरह ये नहीं होता है, इस तरीके का नहीं होता है, और ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये संभव नहीं है, ऐसे संभव नहीं होता है। इसके लिए जो भी सत्येंद्र जी ने बताया कि ये निराश्रित रहना,
अब निरा आश्रित अगर आ जाएं आप, सारे जगत के सारे आश्रित हट जाएं आपके मन बुद्धि चित्त से, तो जो बचेगा वो फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जो बचेगा वो वही होगा जो होना चाहिए, जिसकी आपको तलाश थी। तो ये एक चीज़ जो मैं आपको एक, ये तो हमने आपको एक फार्मूला बताया, तो बाकी आप जो है सावधान रहिए, दूसरे के जाल में आप बिल्कुल मत फंसिए, आपके पैसे जाए जाएंगे। क्योंकि जगत प्रेमी चंद्रदेव ने जब कबीर जी की जब बाणी पढ़ते हैं तो बाणी बिल्कुल सटीक होती है, जब वो उसका अर्थ लगाता है तो मेरा भेजा खुल जाता है, मेरे दिमाग के ना सारे बल्ब जलने लगते हैं कि ये कहाँ की बात कहाँ बता रहा। जो निर्गुण चीज है, जैसे आपको उदाहरण के लिए मैं आपको बता दें कि ज्ञान गुदड़ी में, जैसे हम ज्ञान गुदड़ी लेते, जब जब तक 5-2500 नहीं आ जाता, जब 5-2500 आ जाते हैं जिस ज्ञान गुदड़ी में, तब आता है जगत की बात। और जब तक, जैसे मैंने आपको और ऊपर जब जितनी भी लाइनें हैं वो सारी की सारी निर्गुण हैं, तो पता नहीं ये कहाँ कहाँ से संत इकट्ठे हो जाते हैं, कौन कौन सा दिमाग है, कबीर जी की वाणी कहाँ लिखी है, अर्थ कहीं लगाते हैं। इसलिए मैं आपको सभी को सावधान करना चाहता हूँ, वो ठीक नहीं है। और निर्गुण अलग चीज़ है और सगुण अलग चीज़ है, ये सबके बस की बात नहीं है। जब तक बोध नहीं होता तब तक निर्गुण और सगुण को आप अलग नहीं कर पाओगे। और अगर अलग कर, अगर कर लो तो, मैं तो आपको बोला अलग कर लो तो देख लो, ये इन्होंने सत्येंद्र ने बनाई, एक दो वीडियो हमारे यूपी साइंस पे पढ़े, देख लोगे तो आपके दिमाग की धज्जियाँ बाहर आ जाएंगी। तो व्यूअर्स, यदि आपके मन में ये होता है कि हमें अध्यात्म में जो अनुभव हैं, जो दूसरों के अनुभव हैं, उसको आप लेना चाहते हो अपने लालच के कारण, तो वो अनुभव कभी नहीं हो पाएंगे। जब तक हमारे अंदर बोध, अपना बोध नहीं आ जाता, अपना बोध नहीं आ जाता, तो उस बोध के रोशनी में यदि चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं तो कभी नहीं दिखाई देंगी, किसी की वाणी को फॉलो करने से, और ख़ासकर ऐसे लोगों को फॉलो करने से जहाँ पे पैसा आता है, उनका एक ही एजेंडा है, एक एजेंडा चलाते हैं, कि बहुत से लोग एजेंडा चलाते हैं पैसों का, कि पैसे इकट्ठे हो जाएँ, ठीक है। बहुत से लोगों का एजेंडा इससे ऊँचा होता है, उनको पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती है, पैसे तो बहुत सारे, जैसे संत रामपाल जी, पैसों का यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ इश्यू ही नहीं है, कि पैसा बहुत अथाह पैसा है, ठीक है, भगवान जाने कहाँ से है वो, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, मुझे भी नहीं पता वहाँ पे क्या है, एजेंडा क्या है। एजेंडा यही है कि गीता को, राम कृष्ण हिंदू देवताओं को छोटा करके चलना, इनको छोटा बताना लोगों को, और संत कबीर को, संत कबीर तो संत कबीर हैं, बस संत कबीर को सबसे ऊंचा बताना, ये जो उन्होंने लेवल बना रखे हैं, पहले संत कबीर, फिर ये फलाने संत गरीबदास, फिर ये दास, फिर काल निरंजन, फिर ये वो सारी चीज़ें, ये सारी भ्रामक हैं, सारी भ्रामक हैं। हाँ, यदि आपको बोध है, तो यदि उस बोध से आप बता रहे हैं कोई चीज़, तो ये चीज़ नहीं आ सकती है कभी। एक ही व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि ये काल निरंजन है, और उसी व्यक्ति, वही व्यक्ति कह रहा है कि मैं कालातीत हूँ, इनके पास कोई उत्तर नहीं है। मगर एक होता है ना कि भ्रम की स्थिति फैलाना शिष्यों के, और शिष्य बेचारे ऐसे होते हैं कि ये तो है ना कि बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़े हुए हैं, यदि पढ़ भी लेते हैं तो उसको मनन नहीं कर पाते, वो कंपेयर नहीं कर पाते, और ये नहीं समझ पाते कि इसमें हिडन एजेंडा क्या है, इनका एजेंडा बहुत छिपा हुआ होता है। तो ये जो संत महात्मा जितने भी, सारे नहीं, बहुत से, खासकर ये संत मते में इसकी बात कर रहा हूँ, ये इनका एक एजेंडा चलता है कि राम और कृष्ण को छोटा बताना और संतों को सबसे ऊंचा बताना, और उस एजेंडे के तहत ये क्या करते हैं, जितनी भी चौपाइयाँ इनके एजेंडों को मजबूत करती हैं, उन चौपाइयों को छाट लेते हैं, उन्हीं चौपाइयों को रटते हैं अपने प्रवचन में, उन्हीं चौपाइयों को लेके किताबें लिखते हैं, उन्हीं किताबों को बांटते हैं, तो क्या जाएगा शिष्यों के पास, वही चौपाइयाँ जाएंगी, सारी चौपाइयाँ थोड़ी जाएंगी। तो ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो मैं एक बार पुनः आग्रह करता हूँ सभी श्रोताओं से, और जो भी संत मते में दीक्षित हैं या दीक्षा लेना चाह रहे हैं या किसी से प्रभावित हैं,
ठीक है, वो सावधान जरूर हो जाएं कि ज्ञान किसी से नहीं मिलता, ज्ञान निराश्रित होकर खुद पर मेहनत करने से ही मिलता है। हाँ, किसी से इंडिकेशन मिल सकता है आपको, वाणी मिल सकती है, ठीक है, पर वाणी कह क्या रही है वो आपको देखना होगा। वाणी को कोई इंटरप्रेट करके कोई दूसरा आपको बताए और आप उसके ऊपर चलने लगो और आपको ये ना पता लगे कि इसके पीछे कोई एजेंडा क्या है इनका, तो आप एजेंडे के शिकार हो जाओगे। बस बस इतना ही। तो अगले एपिसोड में मैं किसी और टॉपिक पे आऊँगा। धन्यवाद।